नहीं होगा रे गुरु, ये नहीं होगा अपन से। माफी चाहिए ना तुझे? चाहिए ना माफी? शर्त पूरी कर और ले जा माफी। करना पड़ेगा लखन, ये तेरे को करना पड़ेगा। ये रास्ते पे अब अपन इतना आगे निकल आया है कि अभी अपन पीछे नहीं हट सकता है। और अपना भोलेनाथ जानता है कि अपनी नीयत साफ है। वो जानता है अपन ये किस लिए कर रहे हैं। अपन को शक्ति दो भोलेनाथ, अपन को शक्ति दो। ए भाई भाई, भाई एंजॉय। कुड़ी कौन है? पता नहीं। हाँ बोले तो अपन तेरे को वो आई लव यू बोलता है। आई लव यू? मैं आई लव यू कहाँ सुनाई दिया अबे? ये बेवड़ी पहला है तू इसके लिए। और वो बोले तो क्या? अरे माँ लखन, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। माँ तू, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तूने लड़की पसंद कर ली? हाँ, हमारी बहू बिना हमें बताए। अरे चुप, मैं इस दुनिया में सिर्फ तेरे लिए राजमा चावल बनाने के लिए पैदा हुई हूँ। हाँ माँ तू डिसअपॉइंटेड हूँ। अरे माँ, आप क्यों मार रहे हो? ओ बाबूजी की तरफ से था ये थप्पड़। बेशरम। वामो थोरेरो, वामो थोरेरो, वामो थोरेरो, वामो थोरेरो, वामो थोरेरो, थोरेरो। जी के नाम पे तो हर कोई बिल फाड़ रहा है। डैडी, देखा आपने लखन मुझसे कितना प्यार करता है? अब यकीन आया आपको? अरे भाऊ बोले तो मुझे लगता है तू तेरा पूरा चेकअप कर ले बेटा। बोले तो शायद तेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। कल मिलेंगे भाऊ। अपन समझाते हैं ना आपको भाऊ। आफ्ताब, लखन ने मेरी बेटी को किस किया? डैडी, कहाँ जा रहे हैं आप? आपने कहा था ना कि अगर ये बात साबित हो गई कि लखन मुझे प्यार करता है तो आप यहाँ सबके सामने नाचोगे, वो भी कपड़े उतार के पापा शब्बर। तो नाचो। आफ्ताब, इसको लेके जा। ये चीटिंग है डैडी, आपने कहा था पापा शब्बर लेकर नाचना पड़ेगा आपको। कपड़े उतारो, चलो 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 नाचो। डैडी, अवन कब बात सुन? अरे अरे चिकनी, बात तो सुन अपन की।
अरे राधा यार, कॉल लिफाफा खोल। चौथी और आखिरी शर्त लिफाफे में लिखी। कल शाम ठीक 5 बजे तेरे को अपनी जान देनी होगी। मरना पड़ेगा तेरे को लखन। यही है मेरी चौथी और आखिरी शर्त, तेरी मौत। चुपचाप पानी में डूब जा वरना तेरी टांग पे काट लूंगा मैं। ये तो बंदूक का क्यों टांगता है गधेरा? जब टांग पे काटे तो काट ना। अंदर आजा ले, काट काट काट। एक घंटी शमाइला बोले तो एकदम होशियार बाबा ये बराबर बोलता है। पानी के अंदर जाके ना हाँ अभी दिखाता है तेरे को। तू बाबा राम राम भैया जी। अरे क्या चल रहा है तुम लोग का? कुछ नहीं भाई, हम तो ऐसे मछली पकड़ रहे थे। समंदर से भर के लाए डरम, तो सोचा बाद में आराम से मछली पकड़ के वो करेंगे गरम। कभी खुशी कभी गम, सनी जी के बात है धर्म। अरे चुप, फूटे तेरे करम। अबे अबे तुम लोग की मछली बोले तो सांस छोड़ रहे लिए, निकाल उसको बाहर। अरे नहीं भाई जाने दो, बेचारी तैर रही है मस्त आराम से, काई को निकालने का उसको। नथिंग, निकाल बोला तो। अबे अबे ये तो बावा है बे। जलपरा भाई, ये पारसी बाबा बोले तो जलपरा निकला। जलपरा भैया, एजिड जलपरा। अरे बोले तो आप बाहर आओ, बाहर आइए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा जी, दरअसल हमने दद्दू जी को नहलाया था, अब भैया जी सुखा रहे हैं बस। Okay? अरे एकदम ओके ओके, बोले आंटी अंकल एकदम ओके। क्या अंकल सेट है ना भाई? हाँ चिंता नहीं करने का। चल अभी अपन को एक सवाल का जवाब दे तू बिड़ू। बोले तो अपने को बता, अपन से ये आड़ा टेढ़ा काम काय को करा रहे है? काय को अपन को इसमें उलझा रहे है तू? बोल पहले। बोले तो लड़की को अप्रोच कर डाला भैया। प्रपोज? हाँ वो ही छुपा। उसके बाद में अपन पार्टी भी दे डाला। अरे चुम्मा भी दे डाला। अभी तू अपन को मरने के लिए बोल रहे? खेल खेल रहे क्या अपन के साथ? ये खेल तो तू मेरी लाइफ के साथ खेला लखन। मारा ढिकरो, मेरी आंखों का तारा बस तेरी एज का होगा। उसने भी एक वेरी गुड लुकिंग गर्ल को प्रपोज किया था जैसा तूने किया। फिर उसने पार्टी दी और उस पार्टी में अखी पब्लिक के सामने किस किया। बहुत खुश था वो, वेरी हैप्पी। लेकिन अचानक नेक्स्ट डे उसका एक्सीडेंट हो गया, लाइफ और डेथ का केस हो गया। बोल अरे जो 10 लाख रुपया तू मुझसे दादागिरी से वो वसूली के नाम पे छीन के ले गया था ना, वो मेरे बच्चे की ऑपरेशन के लिए था, जो कभी हो नहीं पाया तेरी वजह से। लास्ट मोमेंट तक मैं पैसों का इंतजाम करता रह गया, वो मेरा बच्चा और सब कुछ छोड़ के चला, और सब कुछ छोड़ के चला। मुझे छोड़ के चला गया।
इसीलिए मैं तेरे को उसी के जैसा पहले हैप्पीनेस देके बाद में मरते हुए देखना चाहता था। अंकल अपन मानता है कि अपन के हाथ से बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती, पर अपन दिल से सॉरी भी बोलते हैं। कसम भोलेनाथ की अपन मरने के लिए भी तैयार है भाई, बस अपना एक रीसेट है अंकल। भैया जी रिक्वेस्ट विच अपन को बस 24 घंटा का टाइम दे दो अंकल बस। लेकिन बोमन इसको मारने से हमको क्या मिलेगा, क्या हमारा दिखरा वापस आ जाएगा? लेकिन उसको सुकून तो मिलेगा ना। जा ये मैं तेरे को 24 घंटे का टाइम, जा पूरा एक दिन दिया, लेकिन परसों अपने हाथ से मैं तेरे को गोली मारेगा। परसों 12 बजे शीतल पहाड़ी पे मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी, शांति शांति मिलेगी, मेरी निकले की आत्मा शांति मिलेगी।